हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। साडा नमेरिकल एनालिसिस नमेरिकल मैथड का टॉपिक चलता पाया जी, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो असी डायरेक्ट मैथड के सारे मैथड कर चुके हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्राउट मैथड, जां कह लो एलजू डी कंपोजिशन मैथड, वो असी ऑलरेडी कर चुके हैं। चुलेस्की मैथड भी कर चुके हैं। अज स्टार्ट कर जा रहे हैं मैथड जकोबी मैथड, दैन करांगे गॉस सीडल मैथड। गॉस सीडल ते जकोबी आलमोस्ट सेम ही आ, थोड़ा ही फर्क आ, वो असी डिस्कस करते हैं। सब तो पहला इस टाइप दियाँ इक्वेशनस, चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशनस होण, चाहे होण तीन जां होण तीन तो ज़्यादा, वो सॉल्व करन दे लई ये मैथड यूज़ किया जाता। इस टाइप दियाँ इक्वेशनस होण, सपोज करो ए वन एक्स एक्स लिख लो, चाहे वाई लिख लो, वो तुहाडी अपनी चॉइस आ। दैन बी वन वाई, सी वन जैड। एक्स वाई जैड ना लिखते हुए असी लिखांगे एक्स वन वाई वन एंड जैड वन, जां एक्स वन एक्स टू इदां ही लिख लो, इदां लिख लो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू, सपोज करो डी वन। नैक्सट इक्वेशन दे विच होएगा साढ़े कोल ए टू एक्स वन, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज होने हैं, बी टू एक्स टू सी टू एक्स थ्री डी टू, ए थ्री एक्स वन बी थ्री, बी थ्री एक्स थ्री सी थ्री एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू डी थ्री डी थ्री। इस तरीके हुण इनिशियल कंडीशन की है साड़ी, कि जकोबी मैथड अप्लाई हो सकता कि नहीं हो सकता, उहदे लई की जरूरी है। जो डायगनल एलीमेंट दिख रहे हैं ना तुहानू, जे असीं नूं मैट्रिक्स फॉर्म च लिखीए, इह तुहाडे डायगनल एलीमेंट होणगे, ये वाले ए, इन्हां ते कंडीशन होनी चाहिए है। वो की कंडीशन होनी चाहिए है वो तुसी पहले चैक करोगे, अदरवाइज़ तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। ये मेरे नाल हो चुकिया, मैं एग्जाम दे विच जो नेसेसरी वो कंडीशन चैक करनिया सी, वो मैं चैक नहीं कीतियां, तो मेरा क्वेश्चन गलत होण जा रहा सी, मैं काफ़ी टाइम वेस्ट किया उस क्वेश्चन ते। सो उम्मीद करदा कि तुसी वो क्वेश्चन तो टाइम वेस्ट ना हो, इस करके वो पहले चैक कर लेना। वो की वो ये कि जिहड़ी ए वन कोफिशेंट है एक्स वन का फस्ट इक्वेशन का, उहदी नमेरिकल वैल्यू की होनी चाहिए आ। नमेरिकल वैल्यू ग्रेटर दैन सम ऑफ नमेरिकल वैल्यू बी वन प्लस बी टू, इस तरीके होनी चाहिए है। सी वन सी वन इदा ही। सैकेंड क्वेश्चन जो ये डायगनल एलीमेंट आ, इहदी नमेरिकल वैल्यू बिल्कुल इदा ही ए टू प्लस सी टू दी नमेरिकल वैल्यू दे सम तो ग्रेटर होनी चाहिए है, किसी केस में इक्वल ही हो सकती है, नो प्रॉब्लम। इदा ही डायगनल एलीमेंट सी थ्री मस्ट बी ग्रेटर दैन सम ऑफ नमेरिकल वैल्यू ऑफ ए थ्री प्लस बी थ्री। कहिंदा मीनिंग ये आ कि जो डायगनल एलीमेंट है ना, जो डायगनल एलीमेंट होणगे, जे मैं डायगनल फॉर्म च लिखां, ये बाकी जिहड़े दो कोफिशेंट आ, दो एलीमेंट आ, उहनां दे सम तो ग्रेटर होना चाहिए। जिस तरीके आ देखो, ट्वेंटी तो दूजी साइड पर आ टू प्लस वन थ्री, नमेरिकल वैल्यू देखनी आ, मॉडलस वैल्यू देखनी आ, ये कह लो कि माइनस नूं इग्नोर कर दो। टू प्लस वन थ्री, ट्वेंटी ग्रेटर आ, ओके आ, ये एलीमेंट थ्री प्लस वन फोर, ट्वेंटी ग्रेटर आ, ओके आ, थ्री प्लस टू फाइव, ट्वेंटी ग्रेटर आ, ओके आ। सपोज करो मेरे को इदा का कोई क्वेश्चन होंदा, सपोज करो एक्स प्लस इतने हो जाता टेन वाई प्लस थ्री जैड इज इक्वल टू फाइव, इतने आ जाए टेन एक्स, जहाँ इदा आ जाए
इतने आ जाए टू एक्स प्लस थ्री वाई इतने आ जाए साढ़े को चाहे चलो इतने माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इज इक्वल टू टेन जैड इज इक्वल टू फाइव या फिफ्टीन ला लो इतने सपोज करो मेरे को आ जाता टेन एक्स या इतने ला लो ट्वेंटी एक्स प्लस आएगा वाई प्लस नाइन जैड इज इक्वल टू थर्टी नाइन लगा लो इस तरीके सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाता जो तुम डायरैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लग जाओगे तो क्वेश्चन हो जाना रोंग क्यों हो जाना क्योंकि ये जो डायगनल एलीमेंट आई की है डायगनल एलीमेंट ए वन ये की होने चाहिए इन्हों की जी मॉडुलस वैल्यू आ टेन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन तो ज़्यादा चाहिए सी बट ये तो वन आ नहीं पॉसीबल इदा ही थ्री इन्ह दोवों का सम ट्वेंटी बट ये इन्हें ट्वेंटी तो ग्रेटर होना चाहिए सी नहीं है तो की करोगे ये नहीं कहना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना होएगा सॉल्व इंटरचेंज करनिया पैनगियां तुहानू रोज़ वो किस तरीके ये फस्ट कॉलम ते आनी चाहिए आ क्योंकि नाइन प्लस वन टेन ट्वेंटी तो ग्रेटर है सॉरी ट्वेंटी ग्रेटर आ नाइन प्लस वन टेन तो इदा ही ये थर्ड पोजिशन पर होनी चाहिए आ ये सैकेंड पोजिशन पर होनी चाहिए आ सब तो फस्ट स्टैप पर ये लिखोगे इक्वेशन दूसरे स्टैप पर ये वाली लिखोगे तो थर्ड स्टैप पर ये वाली लिखोगे कहता मीनिंग है कि जे असी डायगनल फॉर्म जे असी इनू मैट्रिक्स फॉर्म च लिखिए डायगनल एलीमेंट की होने चाहिए आ बाकियां दे सम तो डायगनल एलीमेंट होने चाहिए आ ग्रेटर बाकियां दे सम तो ये चीज़ जरूरी है जे नहीं हैगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व नहीं होना तुसी आइट्रेशन्स करी चलोगे बट कितना कितने जाके आंसर कन्वर्ज नहीं करना किसी आइट्रेशन कुछ आंसर आ जाएगा किसी कुछ आ जाएगा मैं अद्धा घंटा वेस्ट कर चुकिया एग्जाम इस करके ये तुसी वेस्ट ना करो ये चीज़ पहले चैक कर लेनी तो चैक करने तो बाद हो सकता तुम इंटरचेंज करके देन हो सकता इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुसी की करोगे ये फस्ट इक्वेशन लिखोगे दैन इनू सैकेंड स्टैप पर लिखोगे दैन ये थर्ड स्टैप पर इक्वेशन आएगी फिर तुहाड़ी कंडीशन जिहड़ी आ वह सैटिस्फाई होएगी हुण फर्दर देखो जे मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करा पहली गल तो यह जो जकोबी मैथड आइट्रेटिव मैथड आसी आइट्रेशन करनियाँ जिहड़े पहला असी मैथड पढ़े गॉस एलिमीनेशन पढ़िया गॉस जॉर्डन पढ़िया असी क्राउट मैथड पढ़िया असी चुलेस्की मैथड पढ़िया वो सारे सी डायरैक्ट मैथड उसी डायरैक्ट मैथड हुण ये की आ ये साढ़े कोल हैगे आइट्रेटिव मैथड इन्हां च असी आइट्रेशन करनियाँ जकोबी मैथड हुण जकोबी मैथड का प्रोसीजर की आ वह मैं तुहानूं डिस्प्ले कर देना स्क्रीन पर वो तुसी स्क्रीन पर देखोगे तो तुहानूं ये मैथड सारा डिस्प्ले हो रहा होएगा तो तुसी ये सारा जिहड़ा वा वो थ्योरी पढ़ लेनी क्योंकि पेपर च यह भी आ सकता कि डिस्क्राइब जकोबी मैथड उहदे च फिर तुसी ये सारे जिहड़े इनिशियल स्टैप आ वो लिखोगे की करना हुंदा सी ओ मैं नाल हुण तुसी मैनूं उम्मीद आ कि वो तुसी पहले उतार लोगे थ्योरी थ्योरी करनी बहुत जरूरी आ तुसी वीडियो नूं रोक के ये थ्योरी नूं उतारोगे पहले फिर तुसी फर्दर जिहड़ा अगे प्रोसीड करोगे उम्मीद करदा कि तुसी उतार लिया होएगा हुण मैं जो तुसी उतारिया बड़ी सौखी वर्डिंग बड़ी ईजी वर्डिंग आ हुण असीं क्वेश्चन करदे आ उह चीज़ां अप्लाई करांगे जो इस थ्योरी च सी हाँ जी ओ किस तरीके बड़े ध्यान ना समझना सब तो पहला जो तुसी ये देख लिया कि ट्वेंटी जो डायगनल एलीमेंट आ ये बाकियों के सम तो ग्रेटर आ ये ट्वेंटी भी इन्हों के सम तो ग्रेटर आ ये ट्वेंटी भी इन्हों के मॉडुलस के सम तो ग्रेटर आ सो हुण ये वैलिड आ वह कंडीशन सैटिस्फाई होंदी है लिखण की कुछ जरूरत नहीं लिखण की कुछ जरूरत नहीं बस जस्ट तुहानू पता होना चाहिए साइड पर लिख लियो एग्जाम च लिखण की जरूरत नहीं कि तुहानू ये ना हो कि तुहानू वो कंडीशन भुल जाए इस करके तुसी अपने नोटबुक पर साइड पर जरूर लिखियो हुण पहला स्टैप की है इस इक्वेशन असी किस फॉर्म च लिखना बड़े ध्यान नाल समझो इदां ही असी इस इक्वेशन किस फॉर्म च लिखना जो मैं तुहानू डिस्प्ले किया स्क्रीन पर वह सारा उतार लेना उत्थे की समझाया वो ही मैं गल्लां इत्थे समझाण लग्गिया फस्ट इक्वेशन तो तुसी एक्स वन कैलकुलेट करोगे सैकेंड इक्वेशन तो तुसी एक्स टू कैलकुलेट करोगे थर्ड इक्वेशन तुसी एक्स थ्री कैलकुलेट करोगे किस तरीके कैलकुलेट करोगे ये दूसरी साइड पर जाके नैगेटिव हो जाएगा किस तरीके इदा आएगा तुहाडे कोल सैवनटीन माइनस एक्स टू प्लस
टू एक्स थ्री 20 हो जाएगा दूजी साइड पर जाके डिवाइड तो आ जाएगा 1/20 इस तरीके आ जाएगा। सो एक्स वन की वैल्यू तो को आ जाएगी 1/20 17 माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री। फस्ट इक्वेशन तो एक्स वन कैलकुलेट कर लिया, सैकेंड तो करोगे एक्स टू कैलकुलेट, वो किस तरीके करांगे? बिल्कुल 20 हो जाएंगे डिवाइड माइनस 18 माइनस 3x1 प्लस x3। इतों असी x2 कैलकुलेट कर लिया, बड़े ईजीली तुसी भी कर सकते। इस इक्वेशन तो तुसी x3 कैलकुलेट करोगे। जे पेपर च xyz लिखिया तो xyz आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। इतने आ जाएगा जी 1/20 25 माइनस 2x1 प्लस 3x2। इस तरीके ये तीन इक्वेशन तेरे को आ जाएंगियाँ। फरदर हम साढ़े इनिशियल स्टैप की आ कि असं स्टार्ट करना क्वेश्चन की स्टैप है ये। सो टेक x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 सारे तुसी ले लेने 0 एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस। ये तुसी अप्रोक्सीमेशन सपोज कर लिया, सपोज कर लो 0 0 0 आंसर है, सपोज कर लो कि 0 0 0 आंसर है, तो सानू पता चल जाएगा हौली हौली कि आंसर की आना। कुछ भी सपोज कर सकते हैं, चाहे 1 1 1 सपोज कर लो, चाहे 1 2 3 सपोज कर लो, बट मोस्टली असी 0 ही सपोज करीदा। सो तुसी सपोज कर लेनिया कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस 0 आ, x1 0 x2 0 x3 0। साड़ी जिहड़ी फस्ट आइट्रेशन जिहड़ी आ हो जाएगी स्टार्ट। नंबर जरूर पाओगे, चाहे तुसी लिख दो पूरा आइट्रेशन फस्ट आइट्रेशन सैकेंड। सो मैं सिंपली 1 नंबर पा रहा। हाँ जी, सब तो पहला की करोगे x1 कैलकुलेट करोगे। की करना ये पुट x1 0 x2 0 x3 0 इन दिस स्टार। असल जरूरत की होएगी कि जो असी x1 कैलकुलेट करना उ x2 तो x3 की वैल्यू पुट करांगे। x2 जो कैलकुलेट करना उत्थे x1 ते x3 पुट करांगे, जदों असी x3 कैलकुलेट करना उत्थे x1 ते x2 पुट करांगे, तो सारे ही 0 आ, तो की आ जाएंगे साढ़े कोल। सो x1 की वैल्यू आ गई 1/20 17 माइनस 0 प्लस 0, तुसी देखोगे 17/20। इनू तुसी डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल आंसर आएगा 1.85। ताड़ी जड़ी आ वैल्यू आ जाएगी 0.85। हाँ जी, ये आ जाएगी 5.10। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। फिर तुसी x2 कैलकुलेट करोगे 1/20 माइनस 18 माइनस 0 x3 भी 0, ये असी पुट कर रहे हैं सारे विच, तो की आ जाएगा साढ़े कोल माइनस 18/20, तो आ जाएगा माइनस 0.9। फिर तुसी x3 कैलकुलेट करोगे 1/20 25 माइनस 0 प्लस 0 25/, ये आ जाएगा 1.25। ये साड़ी फस्ट आइट्रेशन होगी। हुण असी सैकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करांगे। हुण तुसी की पुट करना, फरदर पुट करोगे x1 नू 0.85, x2 नू माइनस 0.9, x3 नू 1.25। ये हुण असी वैल्यूज पुट करांगे स्टार विच, इन स्टार, हमेशा असी उत्थे उस स्टार की वैल्यू पुट कर लिया। हाँ जी, बहुत सिंपल है जी ये मैथड। हाँ, एक चीज़ मैं क्लीयर कर देव, कुछ स्टूडेंट मैं क्वेश्चन करते कि सर कैलकुलेटर अलाउड है, वो मैं क्लीयर कर देव। सिंपल कैलकुलेटर तो सारे ही अलाउड है, कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास है, न्यूमेरिकल मैथड क्वेश्चन जोड़े आ कैलकुलेटर तो बिना नहीं पॉसीबल है।
सो सिंपल कैलकुलेटर सारियां नूं अलाउड आ। जिहड़े बाकी क्लासां वाले आ उह अपना सिलेबस चैक करन, सारे सिलेबस चैक करियो। जिन्हां नूं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड सिलेबस विच मैनशन किया होया उन्हां नूं बिल्कुल अलाउड है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते। जिस तरीके मैं तुहानूं दिखावां, जिस तरीके मैं तुहानूं देखो जी, सिलेबस विच लिखिया होया द नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन द एग्जामीनेशन। नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर ये है जी, नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर ये अलाउड है एग्जामीनेशन पेपर। कंपनी कोई भी होवे कोई इशू नहीं, तुसी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं लिंक पा दूंगा, तुसी ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जां तुसी उहदे नाल मिलदा जुलदा कोई भी कैलकुलेटर लै सकते हैं जिन्हां दे सिलेबस विच ये मैनशन किया नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो इस टाइप का कैलकुलेटर चूज़ करनगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन वो इस कैलकुलेटर तो बिना नहीं होने। 50% जिहड़े क्वेश्चन आ वो इन्हें ही सॉल्व करने हैं, तो जिन्हां ते ये नहीं लिखा होया वो सिंपल तो यूज़ कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं हैगा। मैं जे गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के अकॉर्डिंग दसा, BCA क्लास है जिहड़ी, BCA क्लास विच जां BSC कंप्यूटर साइंस सैकेंड समेस्टर विच आ उन्हां नूं सिंपल कैलकुलेटर अलाउड आ, वो सिंपल ही यूज़ करनगे, उन्हां नूं साइंटिफिक नहीं। जिहड़े BSC 6 समेस्टर दे स्टूडेंट आ उन्हां नूं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड आ, कोई टेंशन नहीं। जिद्दां मर्जी भावें 2 लै जाओ एग्जामीनेशन च, तुहानूं कोई नहीं कहण वाला। जे कहूगा तो उन्हां नूं सिलेबस दिखायो, नाल दी नाल तुसीं इह दिखा सकदे आ उन्हां नूं गूगल ते सर्च करके भी कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर किहड़ा हुंदा। नॉन प्रोग्रामेबल ते नॉन प्रोग्रामेबल च बहुत फर्क हुंदा, वो तुसी उन्हां नूं यूट्यूब ते सॉरी उहदे ते गूगल ते सर्च करके भी तुसी दस सकदे हो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड आ। जदों असीं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन असीं एक ही स्टैप च कर सकते हैं। सपोज़ करो जिद्दां हुण मैं नैक्सट करन लग्या, हुण जिद्दां मैं फरदर ए वालियां वैल्यूज़ पुट करनियां, एक स्टैप च फरदर आंसर आ जाना। X1 मेरे कोल है जी 1/20 17 -X2, X2 की वैल्यू है जी हुण मेरे कोल माइनस विच आ, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये आ जाएगा 0.9। फरदर है जी +2 ब्रैकेट स्टार्ट 1.25, ये वैल्यू होगी X3 की। हुण इस कैलकुलेटर ते एक लाइन च सारा सिंपलीफाई हो जाना। तुसी की करोगे 17 टाइप करोगे प्लस 0.9 करोगे प्लस 2, बिल्कुल ये ब्रैकटा है ब्रैकट स्टार्ट कर दोगे एज इट इज़ चेपी जाना जो इतने लिखा, दैन इक्वल प्रेस कर दियो, दैन डिवाइडेड बाय 20 करो। वैसे उन्हें सिंगल टर्म नूं डिवाइड कर जाना, जां तुसी ब्रैकटा यूज़ कर लियो, जां तुसी ब्रैकटा यूज़ करो, बड़े ध्यान दे नाल इहनूं अलग सॉल्व कर लो, 20 दे नाल बाद च डिवाइड करो, तो जां एज इट इज़ इहदा तुहानूं ब्रैकटा पाउणियां पैणगियां। तुसी इस तरीके सिंपलीफाई कर सकते हैं इहनूं। तुसी 1/20 ओवर दा सिंबल भी हैगा जी साडे कोल, डिविजिबिलिटी दा सिंबल भी है इहदे उत्ते, जो तुसी डिविजिबिलिटी वाला सिंबल ही यूज़ कर लो 1/20, फिर ब्रैकट स्टार्ट कर दोगे इहदे, बिल्कुल इहदे ब्रैकट स्टार्ट कर दोगे, दैन 17 प्लस करोगे, दैन 0.9 प्रेस करोगे, दैन प्लस 2, फिर ब्रैकट स्टार्ट 1.25, फिर ब्रैकट क्लोज़, फिर ए वाली ब्रैकट भी क्लोज़। जे तुसी एक ब्रैकट क्लोज़ कर दूजी ना की तो एरर आ जानी है। जिन्नी ब्रैकटा तुसी इत्थे पाइया हुई अपनी कॉपी ते उन्नियां ब्रैकटा ही पानिया, तो उन्हों तुसी हुण सिंपलीफाई करोगे तो तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो ईजीली आ जाएगा 1.02। सो इहदा आंसर आ गया 1.02। इदां ही तुसी हुण X2 कैलकुलेट करना। MSc वाले स्टूडेंट जिहड़े आ उन्हां नूं भी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उन्हां नूं साइंटिफिक अलाउड हुंदा, वो भी अपना सिलेबस चैक कर लैण। -18 बस गांह दे गांह असीं इहदा वैल्यूज पुट करी जाणियां, -3 X1 की वैल्यू आ जी मेरे कोल 0.85 ब्रैकट क्लोज, प्लस आ जी X3
एंड वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इज़ 1.25। हाँ जी, इनू हुण तुसीं सिंपलीफाई कर लेना, इदां ही एक्स थ्री 1/20 25 माइनस 2x1, एक्स वन इज़ 0.,  आ पॉइंट ना समझो, ये पक्का ही पॉइंट लग्या होया, प्लस 3x2 एंड वैल्यू ऑफ x2 इज़ 0.9 ब्रैकेट क्लोज। इन्हां नूं हुण तुसीं कैलकुलेटर सिंपलीफाई कर लोगे, मैं टाइम ना वेस्ट करता होया, ये आंसर आणगे जी साडे कोल माइनस 0.965 एंड 1.03 जी। मेरे को कितने कैलकुलेशन गलती होवे तो तुसी उन्हों आप इंप्रूव कर लेना, ठीक है जी। गलती लग सकती है जी, किसी नूं भी लग सकती है, सो तुसी उन्हों आप इंप्रूव करने की कोशिश करनी। सो उम्मीद है कि तुहानूं इन्नी समझ आ गई होएगी। फर्दर बिल्कुल इसे तरीके हुण असीं थर्ड आइट्रेशन करांगे, उहदे च की हुण पुट करोगे, पुट एक्स वन की वैल्यू आ चुकी है जी साढ़े कोल 1.02, एक्स टू की वैल्यू आ चुकी है साढ़े कोल -0.965, एक्स थ्री की वैल्यू आ चुकी साढ़े कोल 1.03। तुसी देख रहे होणे आ ये 1 के आस पास जा रहा, ये -1 के आस पास जा रहा, ये भी 1 के आस पास जा रहा, इतों अंदाजा जहा लगना शुरू हो जाना तुहानू। इदे हुण तुसीं जदों ये वैल्यू पुट करोगे ना, तां तुसीं इत्थे बिल्कुल उदे 1/20 एक वैल्यू पुट करके मैं दस दिना 17 -x2 प्लस हो जाना 0.965, दैन प्लस 2x3 1.03। इनू हुण तुसीं सिंपलीफाई कर लोगे, इदे तुसीं x2 नूं सिंपलीफाई कर लोगे, इदे तुसीं x3 नूं सिंपलीफाई कर लोगे, वो तुहाडे कोल आंसर आ जाणगे 1.0012। चार डेसिमल तक करोगे 1.0012, अगले च माइनस आ जाएगा, अगले च आ रहा जी -1.0015, नैक्सट विच 1.0003। तुसीं देख रहे होणे आ ये 1 के क्लोज जा रहा, ये -1 के क्लोज जा रहा, ये भी 1 के क्लोज जा रहा, ये असं अगे तो अगे पुट करी चलांगे। इदे हुण तुसीं फोर्थ आइट्रेशन करनी है, मैं जस्ट तुहानूं तुसीं करोगे हुण अपने आप तुहानूं समझ आ चुकी है कि जो जो तुहाडे कोल ये वैल्यूज़ होणगियां उहनां नूं इत्थे पुट करी जाणा, जिहड़ियां नवीं वैल्यूज़ आईआं ये सारियां इहनां नूं वी उत्थे पुट कर देणा, नवीं वैल्यूज़ आई जाणगियां तुहाडे कोल। इदे हुण जिहड़ियां ये वालियां वैल्यूज़ आईआं उहनां नूं फर्दर तुसीं पुट करोगे तां तुहाडे कोल इत्थे फर्दर की आंसर आएंगे फोर्थ आइट्रेशन, वो भी मैं लिखवा दिना 1.004 1.0004 -0 इतने 1 ही आ जाता आलमोस्ट। असी चार डेसीमल तक करते पे, क्वेश्चन भावें तो 3 डेसीमल तक गया, बट तुसी 4 डेसीमल तक तो एटलीस्ट करोगे, 4 डेसीमल कंपलसरी आ, जो आंसर मैच करना उदो जे 3 तक रिक्वायरमेंट है तो 3 तक कर दो, बट तुसी 4 डेसीमल तक आंसर जिहड़ा मैच करने की कोशिश करोगे। सो -1.000, बाकी अगे कुछ आ सकते कुछ डिजिट मैं उन्होंने राउंड ऑफ कर चुकिया, क्योंकि मैं 4 डेसीमल ही चाहिए आ, मैं 4 डेसीमल ही लिखे। तो नैक्सट आएगा जी 0.996 0.999 हो गया जी, हुणे 999 हो गया। अगली आइट्रेशन करोगे फिफ्थ, उहदे च एक्स वन किन्ना आ रहा, ये तुसी हुण अपने आप करना क्योंकि मैथड कोई टफ नहीं हैगा, तो उहदे च आ जाएगा तुहाडे कोल 1-1 1.000 -1 इदां आ जाएगा तुहाडे कोल 1.000। इहदे तुसी जदों सिक्स आइट्रेशन करोगे उहदे च भी सेम रिपीट हो जाणा, तो जो तुहानूं पता सेम रिपीट हो जाए तो ही साडा हुंदा आंसर, उही साडा हुंदा आंसर 1.000। ये अप्रोक्सीमेट सलूशन आ, तो जे तुहानूं एग्जैक्ट ये सैटिस्फाई कर गया तो यही सलूशन जिहड़ा वो एग्जैक्ट भी हो जाएगा, बट मोस्टली जिहड़े मोस्ट इन मोस्ट केसिस ये अप्रोक्सीमेट सलूशन ही होएगा।
अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ही होएगा। मैं एक और फिर रिपीट करदा, फस्ट इक्वेशन तो एक्स वन कैलकुलेट करनी, सैकेंड इक्वेशन तो एक्स टू कैलकुलेट करना, थर्ड इक्वेशन चो एक्स थ्री कैलकुलेट करना। पर यह पहला श्योर कर लेना कि डायगनल एलीमेंट ग्रेटर आ, जिद असी एक्स वन की वैल्यू कढ रहे हैं कि वह सब तो व्डा है, कि उन्होंने सम तो व्डा है। जे इतों असी एक्स टू कढ़ते पे हाँ, ये कोफिशेंट कि इन तो दे सम तो ग्रेटर है, जे है फिर अगे प्रोसीड करना, नहीं तो तुसी इंटरचेंज करोगे, पहले इस फॉर्म च लिखोगे, फिर असी जीरो तो स्टार्ट करना, पहले एक्स वन जीरो, एक्स टू जीरो, एक्स थ्री जीरो, वो जीरोज पुट करोगे फस्ट आइट्रेशन, जैन दैन जो इतने आंसर आए उन्होंने अगली आइट्रेशन पुट करना, जो इतने आए उन्होंने अगली करना। तो तुम इतों थोड़ा आइडिया लगन लग जाना कि ये वन माइनस वन वन के आस पास आ रहा, इतों होर ज़्यादा श्योर हो गया इतने जाके कि वन माइनस वन वन के आस पास आ रहा, इतने तो बिल्कुल श्योर ही हो गया कि आना ही ये है, अगले च इतने आ ही गया। तो फिर क्योंकि असं एक बार रिपीट करना हों उत्थे जाके, सो फिफ्थ सिक्स आइट्रेशन सेम होण करके ये साडा जिहड़ा वा आंसर आ गया। सो एंड ते हुण असीं एक दो लाइनां लिख दांगे, की लिखोगे तुसीं? बाय कंपेयरिंग द अप्रोक्सीमेशंस, चलो मैं लिख ही दिंदा ये वर्डिंग लिखांगे असीं, बाय कंपेयरिंग द अप्रोक्सीमेशंस obtained in the iterations 5th and 6th, there is no change up to 4 decimal places, hence required solution is x11, x2 minus 1 and x3 1। इस तरीके तुसी जेड़े क्वेश्चन या ऑफ जकोबी मैथड करोगे। जकोबी मैथड कई बार ना सिलेबस में मैंशन नहीं किया हों, ना क्वेश्चन आता ही आ, क्यों करवाया, फिर करवाया क्यों, आ भी सकता करवाउण दा मैं तां रीज़न ये आ क्योंकि जिहड़ा असी गॉस सीडल मैथड करना वो बिल्कुल सेम आ, वो बिल्कुल सेम आ, कोई चेंज नहीं, थोड़ी जी चेंज आ वो असी अगले लैक्चर च दसांगे, इस लैक्चर च मैं दसण नहीं लग्या, बिल्कुल सेम आ। ये समझोगे तो वो हुण समझण लई ईजी हो जाणा, तां ये मैथड पहले करवाया कि इहनूं समझ लो पहले, ये तां हो ही गया पेपर चावे चाहे ना आवे हुण वो भी समझ आ जाएगा, इस करके कन्फ्यूज़ नहीं होना, पहले ये मैथड भी करो, ये रिलेटड चार पाँच क्वेश्चन कर लियो, फिर असी गॉस सीडल के चार पाँच क्वेश्चन कर लाँगे तो ये साडा जिहड़ा चैप्टर आ वो हो जाएगा फिनिश। तो जो तुहानूं मैं थ्योरी पहले दिखा चुके हाँ, इत्थे भी तुसीं एक बार मैं डिस्प्ले कर दिंदा, तुसीं उहनूं एक बार चंगी तरह उतार लियो तो उहनूं समझ लियो, बहुत सिंपल वर्डिंग आ, ये थ्योरी का क्वेश्चन पेपर च कई बार आ जाता। सो थैंक यू, वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लियो, जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां वो भी कर दिओ। सो थैंक यू।